हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष साधो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ जो बेसिक फार्मूले है उसको पढ़ेंगे और साथ ही में पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड प्रूविंग के क्वेश्चन है उसको। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेसिक फार्मूले की बात करें ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहला जो होता है क्या होता है कि वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वाई, ये तो सबको पता है, क्लास 10 में सबने पढ़ा है। और देखिए और क्या होता है, और अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा अगर बात करें साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यही होता है, एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूला बनता था हमारा। और अगर हम बात करें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके बराबर क्या होता है, 1। अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को चाहना है, अगर हमको चाहिए वैल्यू में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो वो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना, कॉस नहीं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया 2। और तीसरा जो आखिरी है वो क्या है, टेन स्क्वायर से रिलेटेड है, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या मिलेगी हमको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हमको सेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो वो क्या मिलेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। और साथ ही में एक फॉर्मूला और देख लीजिए एल्जेब्रिक का भी, जो होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, माइनस। और एक और देख लीजिए कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या था हमारा, बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला किसका, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और एलजेब्रिक से रिलेटेड। अब देखिए इन पर बेस क्वेश्चन क्या आएंगे उसको देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको रेस कर लेते हैं, तो क्वेश्चन की बात चलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमको क्या प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS, तो हम LHS उठाते हैं। LHS हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये दिया हुआ है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले रूट टाइप का और अपॉन में दिया और साथ में कुछ ना दिया, तो आपको क्या करना है उस क्वेश्चन में, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन कैसे होता है, रेशनलाइजेशन ये कैसे होगा, इसके अपोजिट साइन से क्या कर देंगे हम, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, अंडर रूट के 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ लिख देंगे क्या, ऑन रेशनलाइज, रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने अपलोड किया है, आप देख सकते हैं उस पर, ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे। फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए और 1 ए है ना, थीटा नहीं है, ए है, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहीं से। और ये क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस ए अंडर रूट में, और ये लिखा है 1 प्लस कॉस ए। तो अभी हम बात किए थे एलजेब्रिक की कि ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर होगा तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ए है और ये क्या है, बी है, ये ए है ये बी है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे अगर हम चलेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम सबसे पहले अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले बेसिक फॉर्मूला बता दें, ठीक है, जब स्टार्ट किए थे
क्या था वो कि अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकलेगी तो वो क्या निकलेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ अंडर रूट भी लगा हुआ है, अंडर रूट केवल इसके साथ अभी खत्म हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है। जब ये हुआ तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में साइन ए। अब उसके बाद क्या कर देना है, इसको क्या कर देना है, इक्वल डिवाइड दे देना। ऐसे कैसे डिवाइड, देखिए अलग अलग लिख देंगे, जैसे 1 अपॉन साइन ए प्लस का कॉस ए अपॉन साइन ए। हमने ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, बस क्या किया है, इसको प्लस के साथ एक बार अलग कर दिया, एक बार इसको अलग कर दिया साथ में, है ना। तो हमको पता है कि 1 प्लस साइन ए हमारा किसके बराबर होता है, कॉस ए के, क्योंकि साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए के, और कॉस ए अपॉन साइन ए हमको पता है क्या होता है, कॉट ए। और हमको प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। तो आप कुछ इस प्रकार से जब भी आपको अंडर रूट में इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो रेशनलाइज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो हो गई इस टाइप के क्वेश्चन की बात। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, हमारे पास किस टाइप से प्रूविंग आ सकते हैं इससे रिलेटेड, तो जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या प्रूव दैट, प्रूव दैट कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, प्रूव क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले से टेक एलएचएस कर लेना है। एलएचएस हम देख लेते क्या दिया है, एक बार और दिया है हमारे पास कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा। सबसे पहले हमको देखना है आंसर किस में आ रहा है, साइन कॉस में आ रहा है या फिर इसी के बेस पे आ रहा है। अगर इसी के बेस पे आ रहा है तो इसी के अंदर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चेंज नहीं करेंगे हम साइन और कॉस में, है ना। देखिए यहाँ प्रूफ करना है हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब इसी के बेस पर आंसर है इसका, ठीक। तो अगर हम कॉसेक 4 थीटा को क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जरा एक बार सोचिएगा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है कि बेस अगर ऐसा हो और पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या ये ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, कॉट स्क्वायर थीटा क्या ये आपको बी स्क्वायर दिख रहा है ना। तो फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था क्लास स्टार्ट जब किया था। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूले भी पढ़े थे, फॉर्मूले क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसी क्या रख सकते हैं, 1, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद वही आ जाएगा जो दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और हमको यही प्रूफ करना था जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। जब कभी आपको दो ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हो और उसी फॉर्म में उसका आंसर पूछा हो तो आप उसको चेंज ना करके उसी के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो सॉल्व होता चला जाएगा, और आपको फॉर्मूले की नॉलेज जरूर होनी चाहिए इसलिए, क्योंकि यहाँ हर एक स्टेप पर फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त होती है, उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।